हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहां पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात करते कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ पर आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहां पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और इसी के साथ साथ नेक्स्ट एंटी फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी इजीली एमेजोन प्राइम आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो

उसी के साथ-साथ हम बात करते चलें एडिटिंग की तो रितेश सोनी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले हैं जतिन और ललित ने मिलकर यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह को संभाला है प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को YRF देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेट हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।, वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल दो हजार चार में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहां पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहां पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे सारे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहां पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और उसी के साथ साथ नेक्स्ट एंटी फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिल एमेजोन प्राइम आप लोग ईजिली वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेढ़ टली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम कितनी है तो ये मूवी जो है वो दो घंटे और बीस अबाउट बनाई गई है आई एम डी बी रेटिंग की बात करें तो सेवन आउट ऑफ टेन मूवी की आई रेटिंग है जो की काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है अब हम बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से

उसी के साथ साथ हम बात करते चलें एडिटिंग की तो रितेश सोनी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले हैं जतिन और ललित ने मिलकर यहां पर सॉन्ग्स वगैरह को संभाला है प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेट हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे रिलेजनरिया एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की की पर पर जो जो है वो सारी की सारी जो है वो वो सारी सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और उसी के साथ साथ नेक्स्ट एंटी फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईज़िली एमेज़ोन प्राइम आप लोग ईजिली वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से

पटेल देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ-साथ हम बात करते चलें एडिटिंग की तो रितेश सोनी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले हैं जतिन और ललित ने मिलकर यहां पर सॉन्ग्स वगैरह को संभाला है प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को YRF देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेट हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे रिलेजनरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते कि इस मूवी की पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और उसी के साथ साथ नेक्स्ट एंटी फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईज़िली एमेज़ॉन प्राइम आप लोग ईजिली वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से

गूगल के यूजर्स की तरफ से 89 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करें कि इस की स्टोरी को किसने लिखा है तो कुणाल कोहली ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा है जो कि बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करें स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ सैफ अली खान और रानी मुखर्जी ऋषि कपूर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुनेल पटेल देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ-साथ हम बात करते चलें एडिटिंग की तो रितेश सोनी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले हैं जतिन और ललित ने मिलकर यहां पर सॉन्ग्स वगैरह को संभाला है प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को YRF देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेट हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाला के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहां पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छा तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहां पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहां पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और इसी के साथ साथ नेक्स्ट एंटी फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिल एमेज़ोन प्राइम आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी की टाइम डोरेशन कितनी है तो ये मूवी जो है वो तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई है जिसकी एवरेज सी टाइम डोरेशन है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को देखना चाहिए आई रेटिंग की बात करें तो सेवन आउट ऑफ टेन की आई एम डी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई

हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।, वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहां पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात करते कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ पर आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहां पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए İzlediğiniz için teşekkür ederim. बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और इसी के साथ साथ नेक्स्ट एंड फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी इजीली एमेजॉन प्राइम आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेट

साथ साथ हम बात करते चलें, एडिटिंग की सोनी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले हैं जतिन और ललित ने मिलकर यहाँ पर सॉन्ग वगैरह को संभाला है प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वायर एफ देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेट हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पॉटेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल दो हजार चार में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात Κ? करते चलें कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे रिले जनरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और उसी के साथ साथ नेक्स्ट एंटी फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी इजीली एमेज़न प्राइम आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप

गूगल के यूजर्स की तरफ से 89 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो कुणाल कोहली ने ही को लिखा है जो कि बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करें स्टारिंग की तो जैसा की ऑलरेडी बता चुका हूँ सैफ अली खान और रानी मुखर्जी ऋषि कपूर और ऋषि कपूर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुनील पटेल देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ-साथ हम बात करते चले एडिटिंग की तो रितेश सोनी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले हैं जतिन और ललित ने मिलकर यहां पर सॉन्ग्स वगैरह को संभाला है प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को YRF देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेट हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी मूवी है है किस तरह की ये बनाई गई हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे रिलेजनरिया एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और उसी के साथ साथ नेक्स्ट एंटी फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली एमज़ोन प्राइम आप लोग ईजिली वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से

पटेल देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ-साथ हम बात करते चलें एडिटिंग की तो रितेश सोनी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले हैं जतिन और ललित ने मिलकर यहां पर सॉन्ग्स वगैरह को संभाला है प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को YRF देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेट हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैं मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहां पर आप लोगों को सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे रिलीजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और इसी के साथ साथ नेक्स्ट एंटी फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अमेज़ॉन प्राइम आप लोग ईजिली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की की पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है तो ये मूवी जो है वो तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई है जिसकी एवरेज सी टाइम डोरेशन है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को देखना चाहिए आई रेटिंग की बात करें तो सेवन आउट ऑफ टेन की आई एम डी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग

हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहां पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छा तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चले कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ पर आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहां पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे सारे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहां पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और इसी के साथ साथ नेक्स्ट एंटी फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अमेजोन प्राइम आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी की टाइम कितनी है तो ये मूवी जो है वो तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई है जिसकी एवरेज सी टाइम डोरेशन है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को देखना चाहिए आई रेटिंग की बात करें तो सेवन आउट ऑफ टेन की आई एम डी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई

और भी सिंगापुर और भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे एक्टर्स चे देखने को मिलेंगे सिनेमेटोग्राफी में आप लोगों को सुनील पटेल देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ-साथ हम बात करते चलें एडिटिंग की तो रितेश सोनी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले हैं जतिन और ललित ने मिलकर यहां पर सॉन्ग्स वगैरह को संभाला है प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाईआरएफ देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेट हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहां पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे सारे रिलीजनरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए Okay. बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और उसी के साथ साथ नेक्स्ट एंड फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहां पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली एमेजॉन प्राइम आप लोग ईजिली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटी

आज आज हम बात करते चले एडिटिंग की तो रितेश सोनी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले हैं जतिन और ललित ने मिलकर यहां पर सॉन्ग्स वगैरह को संभाला है प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को YRF देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेट हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट

वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल दो हजार चार में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और उसी के साथ साथ नेक्स्ट एन टी फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अमेजोन प्राइम आप लोग ईजिली वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डे टली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है तो ये मूवी जो है वो तकरीबन तक घंटे और बीस मिनट के अबाउट बनाई गई है जिसकी एवरेज टाइम डोरेशन जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को देखना चाहिए बी रेटिंग की बात करें तो सेवन आउट ऑफ टेन मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है अब हम बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी

उसी के साथ साथ हम बात करते चलें, एडिटिंग की तो रितेश सोनी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले हैं जतिन और ललित ने मिलकर यहाँ पर वगैरह को संभाला है प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को एफ देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेट हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहां पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए कौन, -कौन देखने, को तो देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहां पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे सा लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहां पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और उसी के साथ साथ नेक्स्ट एंटी फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्हें की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो मूवी जो है वो अवेलेबल है जी इजीली एमेजॉन प्राइम आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है तो यह मूवी जो है वो तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई है जिसकी एवरेज सी टाइम डोरेशन है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को देखना चाहिए आई रेटिंग की बात करें तो सेवन आउट ऑफ टेन

हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैं मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहां पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को, देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहां पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे अच्छा रिलीजनरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और इसी के साथ साथ नेक्स्ट एंटी फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली एमेज़ॉन प्राइम आप लोग ईजिली वहाँ पर

और भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे एक्टर्स चे देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुनील पटेल देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ-साथ हम बात करते चलें एडिटिंग की तो रितेश सोनी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले हैं जतिन और ललित ने मिलकर यहां पर सॉन्ग्स वगैरह को संभाला है प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को YRF देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफ हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वी वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहां पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छा

Et बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और उसी के साथ साथ नेक्स्ट एंड फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहां पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली एमेजॉन प्राइम आप लोग ईजिली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली

साथ-साथ हम बात करते चलें एडिटिंग की तो रितेश सोनी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले हैं जतिन और ललित ने मिलकर यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह को संभाला है प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को YRF देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेट हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।, वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहां पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ uh, पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे रिलीजनरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और इसी के साथ साथ नेक्स्ट

Definitely देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ आई एम डी बी रेटिंग की बात करें तो सेवन आउट ऑफ टेन की आई एम डी बी रेटिंग है जो की काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है अब हम बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से

उसी के साथ-साथ हम बात करते चलें एडिटिंग की तो रितेश सोनी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले हैं जतिन और ललित ने मिलकर यहां पर सॉन्ग्स वगैरह को संभाला है प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को YRF देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेट हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी मूवी है है किस तरह की ये बनाई गई हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे रिलेजनरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और उसी के साथ साथ नेक्स्ट एंटी फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी इजीली एमेज़ोन प्राइम आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप

गूगल के यूजर्स की एटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो कुणाल कोहली ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा है जो कि बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करें स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ सैफ अली खान और रानी मुखर्जी ऋषि कपूर और भी ऋषि कपूर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुनील पटेल देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ-साथ हम बात करते चलें एडिटिंग की तो रितेश सोनी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले हैं जतिन और ललित ने मिलकर यहां पर सॉन्ग्स वगैरह को संभाला है प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को YRF देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेट हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की या नहीं तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।, वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहां पर आप लोगों को सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे

बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और उसी के साथ साथ नेक्स्ट एंटी फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजीली एमेज़न प्राइम आप लोग ईजिली वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से

पटेल देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ-साथ हम बात करते चलें एडिटिंग की तो रितेश सोनी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले हैं जतिन और ललित ने मिलकर यहां पर सॉन्ग्स वगैरह को संभाला है प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को YRF देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेट हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉटेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल दो हजार चार में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहां पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफी Paid, nice mm -hmm. तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर, पर आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहां पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे अच्छा रिलीजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और उसी के साथ साथ नेक्स्ट एंटी फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली एमेज़ोन प्राइम आप लोग ईजिली वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से

गूगल के यूजर्स की तरफ से 89 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करें कि इस की स्टोरी को किसने लिखा है तो कुणाल कोहली ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा है जो कि बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करें स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ सैफ अली खान और रानी मुखर्जी ऋषि कपूर और ऋषि कपूर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुनील पटेल देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ-साथ हम बात करते चलें एडिटिंग की तो रितेश सोनी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले हैं जतिन और ललित ने मिलकर यहां पर सॉन्ग्स वगैरह को संभाला है प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को YRF देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफ हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वी में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहां पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे

बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और इसी के साथ साथ नेक्स्ट एंटी फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अमेजोन प्राइम आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है तो ये मूवी जो है वो तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई है जिसकी एवरेज सी टाइम डोरेशन है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को देखना चाहिए आई रेटिंग की बात करें तो सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई

हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई पर पर रिलीज की रिलीज की की गई गई किस लैंग्वेज में एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहां पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे रिलीजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और इसी के साथ साथ नेक्स्ट

उसी के साथ-साथ हम बात करते चलें एडिटिंग की तो रितेश सोनी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले हैं जतिन और ललित ने मिलकर यहां पर सॉन्ग्स वगैरह को संभाला है प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को YRF देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेट हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी मूवी है है किस तरह की ये बनाई गई हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे रिलजनरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि, कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और उसी के साथ साथ नेक्स्ट एंटी फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी इजीली एमेज़ॉन प्राइम आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप

गूगल के यूजर्स की एटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करें कि इस की स्टोरी को किसने लिखा है तो कुणाल कोहली ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा है जो कि बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करें स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ सैफ अली खान और रानी मुखर्जी ऋषि कपूर और भी ऋषि कपूर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुनील पटेल देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ-साथ हम बात करते चलें एडिटिंग की तो रितेश सोनी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले हैं जतिन और ललित ने मिलकर यहां पर सॉन्ग्स वगैरह को संभाला है प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को YRF देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेट हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के, लि तो के, लो के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आप लोगों को सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे रिलिजन सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते कि इस मूवी की की पर पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो है है वो वो सारी सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और उसी के साथ साथ नेक्स्ट एंटी फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजीली एमेज़न प्राइम आप लोग ईजिली वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से

पटेल देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ-साथ हम बात करते चलें एडिटिंग की तो रितेश सोनी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले हैं जतिन और ललित ने मिलकर यहां पर सॉन्ग्स वगैरह को संभाला है प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को YRF देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेट हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2004 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है आप लोगों से गुजारिश है वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैं मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल दो हजार चार में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहां पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छा तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहां पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे अच्छे रिलीजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और इसी के साथ साथ नेक्स्ट एंटी फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अमेज़ॉन प्राइम आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी की टाइम कितनी है तो ये है तो मूवी जो वो तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई है जिसकी एवरेज सी टाइम डोरेशन है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को देखना चाहिए आई रेटिंग की बात करें तो सेवन आउट ऑफ टेन की आई एम डी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग

हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस की या नहीं तो इन तमाम के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।, वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहां पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे

İzlediğiniz için teşekkür ederim. बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और उसी के साथ साथ नेक्स्ट एंड फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहां पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली एमेजॉन प्राइम आप लोग ईजिली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेट

साथ-साथ हम बात करते चलें एडिटिंग की तो रितेश सोनी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले हैं जतिन और ललित ने मिलकर यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह को संभाला है प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को YRF देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेट हेलो दोस्तों अगर आप लोग 20 साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।, वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे रिलेजनरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की की पर पर जो है वो सारी की सारी पर जो है वो है है वो वो सारी सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और उसी के साथ साथ नेक्स्ट एंटी फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईज़िली एमेज़ॉन प्राइम आप लोग ईजिली वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से

गूगल के यूजर्स की तरफ से 89 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करें कि इस की स्टोरी को किसने लिखा है तो कुणाल कोहली ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा है जो कि बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करें स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ सैफ अली खान और रानी मुखर्जी ऋषि कपूर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुनेल पटेल देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ-साथ हम बात करते चलें एडिटिंग की तो रितेश सोनी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले हैं जतिन और ललित ने मिलकर यहां पर सॉन्ग्स वगैरह को संभाला है प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को YRF देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेट हेलो दोस्तों अगर आप लोग 20 साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की कहां पर रिलीज की सवाल तो के, के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।, वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2004 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हम तुम के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में रोमांस देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आप लोगों को सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर किरण खेर और ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे रिलेजनरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी कुणाल कोहली ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को फना हम तुम मुझसे दोस्ती करोगे तेरी मेरी कहानी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और उसी के साथ साथ नेक्स्ट एंटी फिर से लाहौर कॉन्फिडेंशियल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली एमेज़ॉन प्राइम आप लोग ईजिली वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से

गूगल के यूजर्स की एटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करें कि इस की स्टोरी को किसने लिखा है तो कुणाल कोहली ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा है जो कि बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करें स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं सैफ अली खान और रानी मुखर्जी ऋषि कपूर और भी ऋषि कपूर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुनल पटेल देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ-साथ हम बात करते चले एडिटिंग की तो रितेश सोनी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले हैं जतिन और ललित ने मिलकर यहां पर सॉन्ग्स वगैरह को संभाला है प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को YRF देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो